हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, मींस प्योर रजिस्टर कनेक्ट किया था। अभी हम कनेक्ट करेंगे कि एसी सर्किट है उसके अंदर ओनली क्या है, इंडक्टेंस कनेक्ट है। तो किस प्रकार का हमारे पास फेजर डायग्राम होगा, मीन्स किस प्रकार से ई और आई है उसका वेरिएशन होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, तो पहले क्या ले लिया, एसी सर्किट ले लिया और ये हमारे पास जो सिंबल है वो किसका होता है, इंडक्टेंस का। तो एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, और इंडक्टेंस है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एसी सर्किट है। मीन्स यहां पर हम मान लेंगे कि लेट ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, एक सोर्स है अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, इज कनेक्टेड टू ए सर्किट, इज कनेक्टेड टू ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो कनेक्ट कर दिया, किसके साथ कनेक्ट कर दिया, जिसमें हमारे पास ओनली क्या है, इंडक्टेंस। तो जो सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E = E0 sin ωt। इनके बारे में आपको बता दिया था बेटा पीछे, ओमेगा टी और ये सब क्या है। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में सब बताया था, अभी हम डिस्कस करेंगे बस ओनली कि एसी सर्किट है उसको इंडक्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, ओनली प्योर इंडक्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो किस प्रकार का हमारे पास फेजर डायग्राम होगा। तो देखो बेटा, एक जो इंडक्टेंस है उसको अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ कनेक्ट कर दिया, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, E = E0 sin ωt। बस अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर, क्योंकि ई और आई का वेरिएशन चाहिए, मीन्स हमें फेजर डायग्राम चाहिए, तो हम आई के अंदर इसको लेके जाएंगे। अब जैसे कि हमारे पास प्रीवियस वीडियो में तो ओनली रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, तो V = IR लगा दिया था सिंपल सा। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें इंडक्टेंस भी आता है, तो वो हमारे पास क्या है, E = -LdIdt। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना, मीन्स हमारे पास जो DI/DT था, DI/DT है वो क्या था, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और यहाँ पर इसको किसके साथ कनेक्ट किया है, इंडक्टेंस के साथ। तो इंडक्टेंस और एट एनी स्टैंड, किसी भी स्टैंड के ऊपर हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, E = -LdIdt। और यहाँ नेगेटिव साइन शोज दैट, ये भी आपको पता है कि नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस ईएमएफ अपोज द चेंज इन करंट, इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या करता है, अपोज करता है, अपोज द चेंज ऑफ ए करंट। ये भी आप पढ़ चुके हो, जैसे कि सेल्फ इंडक्शन में आपको बताया था कि एक बल्ब था उसके साथ एक बार इंडक्टर कनेक्ट किया था और एक बार रजिस्टर कनेक्ट किया था, तो आपने देखा था कि जिसके साथ इंडक्टेंस कनेक्ट था वो कुछ टाइम ले रहा था, मींस इंडक्टर है वो क्या करता है, अपोज करता है फ्लो पे करंट। तो समझ आ गया होगा बेटा, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोज करता है फ्लो पे चार्ज को, या हम ये कह देंगे चेंज ऑफ करंट को, ठीक है। तो टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट, समझ में आ गया ये, तो टू मेंटेन द करंट इन सर्किट हम जनरली क्या ले लेते हैं, E = LdIdt, मीन्स क्या लिख देंगे, टू मेंटेन करंट इन ए सर्किट, टू मेंटेन करंट इन ए सर्किट। तो E = कितना आ जाएगा, LdIdt आ जाएगा, समझ आ गया होगा बेटा। तो यहां से देखो DI/DT = इसको हम क्या लिख दें, E/L लिख दें, ठीक है बेटा। तो DI = कितना आ जाएगा, E/L (dt) लिख दिया। वी नो दैट ई अभी हमने लिखा था कितना हमारे पास, E = E0 sin ωt, ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, E0 sin ωt (dt) और डिवाइड बाई एल, समझ में आया बेटा।
टोटल निकालने के लिए देखो अब यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इस स्टैंड के ऊपर लिया है, एट एनी स्टैंड के ऊपर लिया है, हमें तो टोटल निकालना है। और वैसे भी अगर यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर होगी कि यहाँ डिफरेंशिएशन है और टोटल निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमेशा इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो बेटा हमारे पास ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर हमारे पास क्या है डी आई, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना है ए नोट बाई एल साइन ऑफ ओमेगा टी और इंटू डी टी, ठीक है। अब यहां पर देखो ये डी आई है, ये समझ आ गया होगा, रख करते हैं इसको। तो डी आई और इधर हमारे पास कितना है ए नोट बाई एल साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी है ना, तो इधर तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आई, इधर ए नोट बाई एल तो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन है वो हमारे पास किसका हो रहा है साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी का। ये आपको बताया था कि जो ओमेगा टी है ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, जैसे कि आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, टाइम डिपेंडेंट मीन्स टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ई नोट बाई एल साइन ऑफ ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको बताया था माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी, और फंक्शन का क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस। देखो जब मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी जीरो ही होगी, तो हम यहाँ इसको हटा भी सकते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट आता है, और इस कॉन्स्टेंट को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, मैथमेटिक्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास जीरो ही रहेगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई ए नोट बाई एल ओमेगा को बाहर ले लिया माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आई इज इक्वल टू माइनस ई नोट बाई ओमेगा एल, और जो कोस ऑफ ओमेगा टी है ना इसको हम ऐसे लिख देंगे कोस ऑफ ओमेगा टी लिख दिया पहले, तो अब यहां पर देखो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस ई नोट बाई ओमेगा एल, और कोस ऑफ ओमेगा टी को हम ये लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा इसमें हमने चेंज क्यों किया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ ले रखा है वो किसमें लिया हुआ था साइन में लिया हुआ था ए इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, और जब हमें इनके बीच में कंपेयर कर रहे हैं मीन्स किस प्रकार से इनके बीच में रिलेशन है रिलेशन कर रहे हैं तो इसको भी हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा साइन में। तो समझ आ गया होगा यहाँ हमारे पास कोस है और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस ऑफ थीटा, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई ए नोट बाई ओमेगा एल है ना, इस माइनस को हम अंदर ले जाए इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा ये हमारे पास कितना आ गया ए नोट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ गया, और स्टार्टिंग में जो ईएमएफ था वो हमारे पास कितना था इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया था, और ये हमारे पास कितना आ गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ देखो ये जो वैल्यू है ना ई नोट बाई ओमेगा एल इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे आई नोट से, और इधर हमारे पास कितना था आई था, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि जैसे हम इसको आगे सोल्व करेंगे ना ई नोट बाई ओमेगा इसको हम कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ ए अल्टरनेटिंग करंट, मीन्स ये जो ओमेगा एल है ये हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस ही है, जैसे कि ये ओमेगा एल है इसको हम आगे बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे इसको, क्या कहेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस रेजिस्टेंस ही है लेकिन किसके द्वारा है इंडक्टर के द्वारा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर या इंडक्टेंस
तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर है उसको हमने क्या कहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये हमारे पास आर ई है और ई को आर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आता है, मींस वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो आई इज इक्वल टू कितना होता है, वी बाई आर, मीन्स ई बाई आर, समझ आए। तो ये ओमेगा एल है, ये हमारे पास क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। जैसे कि ये जो ओमेगा है, ओमेगा हमारे पास क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इसकी जगह तो हम ये लिख देंगे 1/सेकंड। और इंडक्टर की यूनिट आपने पढ़ी रखी है क्या होती है, हेनरी। तो 1/सेकंड और हेनरी भी आपने पढ़ रखा है ना, इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लिया था। तो ये हमारे पास आया था वोल्ट डिवाइड बाई एम्पियर पर सेकंड आया था। अब इसको आप क्या लिख दोगे, सेकंड, और ये सेकंड ऊपर ले गए और डिवाइड बाई एम्पियर, और ऊपर हमारे पास क्या है, वोल्ट। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया और वोल्ट बाई एम्पियर, वी बाई आई क्या होता है, आर, समझ में आया। तो ये आर ही है लेकिन ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे कि जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि टू फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट मींस हमें क्या निकालना है, ओमेगा एल निकालना है, समझ में आया। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2πν और इंटू एल। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है बेटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, आई नोट के इक्वल आ गया। अब देखो यहां से E तो कितना था, E नोट साइन ऑफ ओमेगा टी है, और I हमारे पास कितना आ गया, I नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इट मींस ये टर्म ज्यादा है और ये ओमेगा टी में से पाई बाय टू को माइनस किया हुआ है, तो यहां से हम क्या कहेंगे, करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल पाई बाय टू। मीन्स यहां से हम क्या कहेंगे, करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाई फेज एंगल पाई बाई टू, फेज एंगल पाई बाई टू। मीन्स करंट है वो पीछे है ईएमएफ से, कितना पीछे है, फेज एंगल कितना है, पाई बाई टू। करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाई फेज एंगल पाई बाई टू, या आप यहां ये भी ले सकते हैं, ईएमएफ लीड्स द करंट, आगे है लीड्स द करंट बाई फेज एंगल पाई बाई टू। ईएमएफ है वो आगे है, कितना आगे है, पाई बाई टू, या करंट पीछे है, कितना पीछे है, पाई बाई टू। तो आप कोई भी लिख सकते हो इसमें, करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाई फेज एंगल पाई बाई टू, या करंट ईएमएफ लीड्स द करंट बाई फेज एंगल पाई बाई टू। तो समझ आया बेटा, इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स साइन में जब चेंज करेंगे तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि ये लीड्स कर रहा है या लैग कर। तो समझ आ गया होगा आपको, साइन कोस था, कोस को हमने किस में कन्वर्ट किया, यहाँ साइन में कन्वर्ट किया। अब हम फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे इनके। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास जो आई नोट है वो किसके इक्वल है, ई नोट बाई ओमेगा एल। तो जैसे कि अगर कोई न्यूमेरिकल होगा उसमें हमारे पास इंडक्टर दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल है उसमें इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी, कोई भी दे दी, जैसे 14 मिली हेनरी दे दी, और फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट, या हमारे पास जैसे कि ई नोट भी दिया हुआ है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी दी हुई है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे, मीन्स ओमेगा एल निकालेंगे, और ओमेगा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2πν इंटू एल। तो ये मिली में है, इसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, समझ में आया बेटा। फ्रीक्वेंसी भी डी मिलेगी, तो ये इस तरह से मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल है तो हम इस तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल ही है, वो हमने ले लिया कि 100 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज एसी है वो फ्लो कर रही है, इज फ्लोइंग इन ए, ये ले लेते हैं 14 मिली हेनरी,
ठीक है बेटा, 14 मिली हेनरी कोयल है उसके अंदर से ये फ्लो कर रहा है फाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या निकालना है? इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्स एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो ओमेगा एल है इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स एल हमारे पास क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है? ओमेगा एल। अब यहाँ पर हमें एल दिया हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 2πμ × L। तो पाई की वैल्यू अगर आपके पास दे रखी है 3.14, तो 3.14 लगाओगे। अगर हमारे पास 3.14 नहीं दी हुई, जैसे कि मान लेते हो, तो आप 22/7 लगाओगे, या किसी न्यूमेरिकल में आप पाई भी लगा सकते हो, तो वो चीज ध्यान रखना बेटा। 22/7 लगा ली। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 100 हर्ट्ज। और ये हमारे पास कितना देखा है? 14 मिली हेनरी। तो इसको हेनरी में कन्वर्ट कर दिया, इसको आगे सोल्व कर लिया, 22 × 44 × 88। और ये हमारे पास 10^2 है, और ये 10^-3, तो कितना आ जाएगा? 10^-1 मीन्स 8.8। और यूनिट क्या आएगी बेटा इसकी? ओम ही आएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही है, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। ध्यान रखना बेटा इनका, न्यूमेरिकल में इस तरह से आप सोल्व करोगे। ठीक है बेटा, अब हम फेजर डायग्राम पे चलते हैं इसके, कि फेजर डायग्राम है उसको किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करो। तो समझ आ गया बेटा, फेज एंगल है वो करंट है वो लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल पाई बाय 2, कितना पीछे है? पाई बाय 2। तो फेजर डायग्राम आपके पास मेन है इसमें रिप्रेजेंट करना। फेजर डायग्राम में जैसे कि स्टार्टिंग में तो आपने ये समझ ही लिया था अभी कि एक सोर्स है अल्टरनेटिंग ईएमएफ के, इंडक्टर है उसको अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखो फेज में ये आपको समझाया था कि ये हमारे पास जो है ये रिप्रेजेंट करती है ना, ये जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? इसकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टार्टिंग में हमने ई नोट लिया था, और ये एंगल कितना है? ओमेगा टी है, तो ये ई नोट है ना, ई नोट ये लेंथ ऑफ एरो, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इसकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और किसी भी स्टैंड के ऊपर जो ये प्रोजेक्शन डालते हैं हम यहां से यहां तक, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। E = E0 sin ωt। समझ आया बेटा? क्या था हमारे पास? E = E0 sin ωt, और I = कितना था? I0 sin ωt − π/2 मीन्स करंट है वो पीछे है, कितना पीछे है? π/2 पीछे है, पीछे है तो इस तरफ आएगा। ठीक है बेटा, तो करंट पीछे है, कितना पीछे है? π/2 मीन्स ये जो एंगल है हमारे पास, देखो यहां से यहां तक ये वाला एंगल, ये एंगल हमारे पास कितना है? π/2 मीन्स 90° का एंगल है ये, यहां से यहां तक। तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगी? पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और ये किसी भी स्टैंड के ऊपर I = I0 साइन ऑफ कितना है हमारे पास? ωt − π/2। तो ωt − π/2 भी लिख सकते हो, 90° भी लिख सकते हो। ध्यान रखना बेटा इसका, पाई बाय टू भी लिख सकते हैं और 90° भी लिख सकते हैं। समझ आया? तो ये हमारे पास क्या है? इसका फेजर डायग्राम है। ठीक है, ये यहां से यहां तक बने। अब हमें वेरिएशन दिखाना है ई और आई का विद टाइम डिपेंडेंट फंक्शन के साथ, मीन्स ωt। या बेटा आप ये भी कह सकते हो कि वेरिएशन ऑफ ई और आई विद फ्रीक्वेंसी, या ωt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आया बेटा? तो अब हम वेरिएशन दिखाएंगे, किसका वेरिएशन दिखाएंगे? ई और आई का, किसके साथ है? इधर तो क्या ले लिया? ई एंड आई, और इधर हमारे पास क्या है? ωt है। तो स्टार्टिंग में तो आपको बताया था जैसे कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, एक सिनुसॉइडली वेरिएशन होता है, जो कि फेजर आपको बताया था, रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट द सिनुसॉइडली वेरिएशन विद टाइम, उसको हमने क्या बताया था? फेजर बताया। अब देखो बेटा ये हो गया हमारे पास, लेकिन जो करंट है वो लैग बिहाइंड है ना, पीछे है, इट मींस यहां से शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसे डॉटेड में, ये डॉटेड में क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने? इस तरह से ये करंट रिप्रेजेंट कर दिया।
कितना है बेटा ये जो एंगल है ये पीछे है, कितना पीछे है, पाई बाय टू पीछे है, समझ में आया बेटा। तो ये हमारे पास वेरिएशन है किसका, आई का, और ये वेरिएशन है किसका, ई का, किसके साथ है, ओमेगा टी के साथ। तो शायद आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से देखो वैल्यू है वो इस तरह से ऐसे कम होती जाएगी। तो ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू मीन्स करंट लैग बिहाइंड द EMF by phase angle pi by 2 या EMF leads the current by phase angle pi by 2, समझ में आया बेटा। अब अगर हम AC और DC के बिहेवियर की बात करें, जैसे कि रेजिस्टेंस को जब कनेक्ट किया था तो रेजिस्टेंस का बिहेवियर AC और DC के साथ सेम था, क्योंकि उनके बीच में कोई किसी प्रकार का फेज एंगल नहीं आया था। तो यहाँ पर देखो DC की अगर बात करते हैं हम, समझ आ गया होगा बेटा ये, तो DC के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी होती है, जीरो। फॉर DC सर्किट, अगर DC सर्किट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि किससे रिप्रेजेंट किया, ओमेगा एल, 2πν × L, और फ्रीक्वेंसी DC के लिए जीरो। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू फॉर DC कितनी आ गई बेटा, जीरो आ गई। इट मीन्स ए प्योर इंडक्टेंस ऑफ आर जीरो रेजिस्टेंस फॉर DC, क्या लिख देंगे, ए प्योर इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है ये, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ए प्योर इंडक्टर ऑफर जीरो रेजिस्टेंस फॉर ए DC, जीरो रेजिस्टेंस होगा किसके लिए, DC के लिए। तो इट मीन्स ए प्योर इंडक्टर है वो ओनली किसके लिए की बात करेंगे हम, AC के लिए बात करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस DC के लिए तो कितना आ गया हमारे पास, जीरो आ गया। तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं कि प्योर इंडक्टर है उसका DC के साथ रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो शायद आपको समझ आ गया होगा बेटा, इसके न्यूमेरिकल है उसमें या तो आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया होगा, इट मीन्स XL दे रखा है, ओमेगा L दे रखा है, या आपके पास इंडक्टर दिया होगा तो यूनिट हेनरी में दी होगी, या मिली हेनरी में होगी, या माइक्रो में होगी, तो उसको आप SI सिस्टम में कन्वर्ट कर दोगे। तो शायद ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसको आप अच्छे से समझना और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैविंग नाइस डे।